हाय दोस्तों, वेलकम बैक। अब जो है इस वीडियो में हम लोग और भी एडवांस जाएंगे और हम जो है दो इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज और RSI को कंबाइन करके एक जो है बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएंगे और देखेंगे इसका टेस्टिंग रिजल्ट कैसा रहा। सो अगर आप पाइन स्क्रिप्ट के बारे में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के बारे में सीखना चाहते हो, तो फिर ये जो वेब्स जो ये मैंने सीरीज बनाया है ये आपको जो है बहुत ही जो है हेल्पफुल करेगा। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मुझे जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, या हम मुझे जो है सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पे अपना क्वेरी है उसे वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो। मैं हैप्पी टू हेल्प, आपको जो है हेल्प करूँगा फ्रॉम माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो आज का वीडियो जो है इस वीडियो में एक कंटिन्यूशन वीडियो है। कोड जो है मैंने ऑलरेडी जो है पहले वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, आप उसे जो है देख सकते हो बेसिकली। ठीक है, ये जो है कोडिंग है। सो हम लोगों ने क्या किया था पहले वीडियो में कि हम लोगों ने एक 5 डेज EMA और 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को जो है प्लॉट किया है। ओके, तो जब भी ये क्रॉसओवर करे तभी जो है हमें बाय सिग्नल जनरेट हो और हम लोग ट्रेड करें, और जो है और हमने जो है इसको जो है स्ट्रैटेजी में भी कन्वर्ट किया करके रखा है। और अभी इसको और भी एडवांस करने के लिए, ठीक है, इसे और भी एडवांस स्विंग ट्रेडिंग बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मूविंग एवरेज के साथ जो है RSI इंडिकेटर जो है वो ऐड करेंगे जब हमारा क्रॉसओवर भी हो और RSI का वैल्यू जो है 50 के ऊपर रहे, ओवरसोल्ड के ऊपर रहे, तो जो है हमें एंट्री कर लेना है। और जब भी जो है RSI 30 के नीचे जाए हमें जो है, या फिर क्रॉसओवर हो जाए हमें जो है एग्जिट कर लेना है। ओके, ये रहा हमारा बेसिक सा जो है और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी। सो मैंने जो है ये कोड पिछले वीडियो से जो मैंने किया था आप उसे जरूर देखो अगर ये कोड समझना चाहते हो आप। सो बेसिकली मैंने जो है RSI को जो है प्लॉट किया है, 14 डेज का इसका लेन रखा है। RSI ओवरबॉट मैंने जो है 50 लिया है, RSI ओवरसोल्ड जो है मैंने 30 किया है, राइट। और अभी जो है RSI जो है मैंने वैल्यू जो है RSI को प्लॉट कर लिया है यहाँ पे। और अभी जो है मैं इसको स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, इसमें क्या करना है। सपोज हमें जो है बाय कॉल लेना है, राइट। सो बाय कॉल लेने के लिए हमारा कंडीशन क्या होगा मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ कि सपोज हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देखता हूँ एक मिनट। सपोज यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर हुआ, राइट, और हमें जो है ये RSI का वैल्यू जो है अबव 50 के ऊपर चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन मेट होना चाहिए। जब भी जो है ये क्रॉस ओवर हो और RSI भी जो है हमारा 50 के ऊपर रहे तभी जो है हमें ट्रेड लेना है, राइट। ऐसा नहीं है कि RSI नीचे हो, फाइन, और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करे और हम लोग तब ट्रेड ले लें, ये नहीं। हमें जो है ट्रेड लेना है जब RSI जो है 50 के ऊपर रहे और यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो तभी जो है हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, और सिमिलरली जो है हमें ट्रेड से कब एग्जिट करना है जब 5 डेज मूविंग एवरेज जो है 50 को क्रॉस जो है नीचे क्रॉस करता है, क्रॉस अंडर करता है, तब जो है हमें एग्जिट करना है। आई एम सॉरी, और तभी जो है RSI जो है हमारा 50 के नीचे आना चाहिए तभी जो है वो क्रॉस ओवर जो है हम लोग लेंगे। सो इसे कोड करने के लिए मैं जाता हूँ पाइन स्क्रिप्ट पे, कोड एडिटर में जो है पाइन एडिटर में आता हूँ। यहाँ पे मैंने RSI का वैल्यू जो है ऑलरेडी लेके रखा है। सो यहाँ पे मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज करूंगा। सो हमें क्या करना है, हमें करना है RSI शुड बी ग्रेटर देन ओवरसोल्ड, RSI ओवरबॉट, फाइन, सेम जो है इसमें भी जो है ट्रेड से निकलने के लिए हमें क्या करना है, RSI शुड बी लेस देन, ठीक है, 50 से नीचे होना है तभी जो है हमें एग्जिट कर लेना है, फाइन। अभी जो है हमें बाय कॉल कैसे जनरेट होगा, देखिए यहाँ पे हमने जो है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होने से जो है बाय कॉल जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग जो है और एक कंडीशन ऐड करने वाले हैं एंड करके, फाइन। सो हमें जो है ये बाय कॉल को जो है वेरिएबल्स को चेंज करना है क्योंकि ये जो है सेम हो जाएगा उसके साथ वेरिएबल्स, तो हमें ये ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे जो है मैं देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि क्रॉसओवर जब भी हो उसके बाद जो है वो चेक करेगा कि RSI का वैल्यू जो है 50 के ऊपर है कि नहीं। अगर हो तभी जो है हमें सिग्नल जनरेट होगा, अगर नहीं है तो नहीं जनरेट होगा। सेम जो है अगर हमें जो है सेल करना है तो हमें जो है क्रॉसओवर होना चाहिए, फिर जो है RSI जो है 50 के नीचे आना चाहिए तभी जो है हमें एग्जिट मिलेगा। और मैं जो है इसे प्लॉट भी करने वाला हूँ, प्लॉट जो है यहाँ पे सिग्नल जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
मैं जो है इसे सेव कर लेता हूँ। सो बेसिकली सेव हो गया है। सो हम लोग जो अभी जो है जाएंगे यहाँ पे। सो आप देख सकते हो एक बाय कॉल में, ठीक है। तो पहले देख लेता हूँ क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे चेंज करना है, ये जो है शॉर्ट का हो गया, हमें बाय का करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो है पहले वो मैंने शॉर्ट जाने का जो है स्ट्रैटेजी था, तो मैंने लॉन्ग जाने का जो है स्ट्रैटेजी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाय कॉल तभी जनरेट होगा जब ये कंडीशन जो है हमें मैच होगा। ये जो कंडीशन है जब मैच होगा तभी जो है बाय कॉल जनरेट होगा, फाइन। और जब ये कंडीशन जो है मेट होगा तभी जो है सेल कॉल जनरेट होगा। सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सो सेव हो गया चार्ट पे, और हम लोग जो है स्ट्रैटेजी टेस्टर पे जाएंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे, मैं इस सबको मिनिमाइज कर लेता हूँ, सिर्फ RSI और इसको रख के। देखिए यहाँ पे जो है हमें बाय कॉल जनरेट हुआ, RSI जो है 50 के ऊपर रहा, फाइन, तभी जो है हमें बाय कॉल जनरेट हुआ। सो हम लोग अगर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाते हैं तो इसको देखते हैं पहले। देखिए अभी जो है RSI ऊपर है और हमें जो है क्रॉसओवर मिला, फाइन, क्रॉसओवर मिला, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री कर लिए और हमें जो है एग्जिट मिला। यहाँ पे एंट्री था हमारा और एग्जिट मिला हमें यहाँ पे। देखिए क्रॉसओवर हो गया, फाइन, क्रॉसओवर हो गया, RSI जो है 50 के नीचे आ गया, हमें जो है एग्जिट मिल गया और हमें जो है प्रॉफिट हुआ 4.3% का। सो यहाँ पे भी एक कॉल जनरेट हुआ, देखो RSI जो है 50 के ऊपर है, क्रॉसओवर हुआ और हमें जो है एग्जिट मिला, इस कैंडल पे जो है हमें एग्जिट मिल गया। क्रॉसओवर हुआ, RSI नीचे आया, हमें जो है इस कैंडल पे कंफर्म हुआ और हमें जो है यहाँ पे एग्जिट मिल गया। सो ये कोड जो है हमें 2 पैरामीटर्स के साथ जो है दिखाता है कि कैसे जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस और RSI को, फाइन। इसे जो है हम लोग स्ट्रैटेजी टेस्टर में आके, ओवरव्यू में आके, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे जो है हम लोग रन कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को, और हमें जो है रिजल्ट्स जो है पर स्टॉक के हिसाब से जो है हमें आने वाले हैं स्क्रीन पे, फाइन। देखिए ट्रेड जो है हमें कम आ जाते हैं, ये जितना कंडीशंस आप ऐड करोगे ट्रेड लेने में, ट्रेड कैंडल जो है वो कम होंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस जो है हमें और भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आप हमें जो है बढ़ रहा है, फाइन। सो ये तो रहा हमारा मूविंग एवरेजेस और जो है RSI के ऊपर स्ट्रैटेजी। इस पे जो है हम लोग और एक स्ट्रैटेजी जो और एक जो है इंडिकेटर लगाएंगे, वो है MACD, लेकिन वो जो है वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मेरा। तो अगर आप सीखना चाहते हो 3 पावरफुल इंडिकेटर्स इन 1 स्ट्रैटेजी, सो वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिए, और टारगेट जो है मेरा वीडियो का 20 है, तो 20 लाइक्स तो बनना चाहिए, तभी जो है मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा नया वीडियो जो है बनाने के लिए आपके लिए। सो इसी तरह जो है मेरे साथ देखते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।